मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे राजस्थान में जिला पाली में दायित्व सौंपा था। वहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से मारवाड़ जंक्शन, सोजत, सुमेरपुर, बाली, जैतारण और पाली विधानसभा जो आती थी, इनमें से हमने 5 विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल की है प्रचंड बहुमत से। मात्र जो पाली की सीट थी वो हम नहीं बचा पाए। वहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पिछले 5 प्लान से जीत रहा था। कई बार एंटी इनकम्बेंसी होने की वजह से आदमी हार जाता है। तो मैं राजस्थान के सभी मतदाता भाइयों को, जिला पाली के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने एक दिल के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनकी गारंटी के ऊपर जो विश्वास किया है। मैं तहे दिल से अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतना उत्साह बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने अपना जनादेश दिया है। मैं सभी देशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निका जी, बात की जाए राजस्थान वगैरह जो आपकी ड्यूटी लगी थी इसको छोड़ के, अब जो लोकसभा चुनाव है हिमाचल की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप हिमाचल की जो 4 सीटें हैं इसके बारे में? हिमाचल प्रदेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत कर उनकी झोली में डालेंगे। जिस तरह 2014 में, 19 में, उसी तरह 25 में 4 की 4 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी उससे भी अधिक मतों से जीत कर केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए 4 की 4 सीटें जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर जो चुनाव लड़ा जाएगा? देश हित के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, हमारा देश आत्मनिर्भर हो, आत्म बल के ऊपर आगे बढ़े, विकसित भारत, जिस तरह संकल्प यात्रा हमारे गांव गांव में अभी हाल ही की घड़ी में चली हुई है, जो जो हमारे पिछले 9 साल का केंद्र का कार्यकाल रहा, जो जो गारंटी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, वो केंद्र से आया हुआ रथ प्रत्येक विधानसभा के हर पंचायत में जा रहा है। अपने पंचायत के जो भी हमारे लाभार्थी हैं, जो उनमें से कुछ लोग छूट गए हैं, उनको भी उनके लाभ के साथ, उस गारंटी के साथ जोड़ा जाए। इस तरह से हम अगला लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। निक्का जी, विधानसभा की बात की जाए तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से आपने लगभग 18,500 मतों से जीत हासिल की थी, इतने प्रचंड मतों से जीत हासिल की थी, तो लोकसभा चुनाव में आप नूरपुर से कितनी लीड दिलवाएंगे? मैं लोकसभा चुनाव में इससे अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करवाऊंगा और अपने साथ लगती विधानसभा इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और नूरपुर में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे और जहां से हमारा लोकसभा का सांसद अच्छे वोटों से जीतकर जाएगा। जैसा कि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आप राजस्थान में दौरा करके आए हैं और पार्टी का कार्य करके आए हैं, आप इन दो राज्यों में क्या स्थिति मानते हैं भाजपा की? मैं राजस्थान का अनुभव भी अपने हिमाचल प्रदेश में, अपनी विधानसभा में, अपने जिले में साझा करूंगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों ने, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया, जिस तरह मध्य प्रदेश की माताओं बहनों ने, युवाओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया, उसी तरह राजस्थान में सभी माताओं बहनों ने, युवाओं ने और किसानों ने प्रधानमंत्री जी की गारंटी के ऊपर विश्वास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस झूठी हमारी महिलाओं के साथ 1500 रुपये का वादा कर सत्ता हासिल हिमाचल प्रदेश में की। आज दिन तक एक भी महिला को एक भी रुपया नहीं मिला। बिजली की यूनिट माफ करने के नाम पर हमारे लोगों को ठगा गया। रोजगार 5 लाख रोजगार देने के नाम पर हमारे युवाओं को ठगा गया। आने वाले चुनाव में हिमाचल प्रदेश की माताएं बहनें, युवा प्रचंड करारी हार के साथ कांग्रेस को जहां से शिक्षक देगी।